बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, बात पंजाब की बिजली की समस्या की। जी हाँ, पंजाब में बिजली के मुद्दे पर सियासत तेज हो चुकी है। कैप्टन अमरिंदर खेमे ने सिद्धू को बिजली के बिल पर ही घेर दिया है। सिद्धू पर खुद 8 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। नवजोत सिंह सिद्धू पर पिछले 3 महीने का बिजली बिल बकाया है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ ही देर पहले ट्वीट किया था और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए थे बिजली संकट से निपटने के लिए। और अब कैप्टन अमरिंदर के खेमे ने नवजोत सिंह सिद्धू की एक तरीके से पोल यहां पर खोल दी है, ये कहते हुए कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले अपना तो बिजली का बिल बकाया कर अदा कर दें, उसके बाद राज्य सरकार को नसीहत दें। 8 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बकाया है नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर, ऐसा कहना है कैप्टन अमरिंदर के खेमे का। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है। सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने बिजली का बिल नहीं चुकाया है पिछले कई महीनों से, ये रकम 8 लाख रुपए से ज्यादा की है। आपको बता दें कि पंजाब में लगातार बिजली का संकट गहराता जा रहा है। विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ग्राउंड जीरो पर बिजली का संकट किस तरीके का है और सियासत तो लगातार हम देख ही रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर भी। देखिए अनुराग, सबसे पहले अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड जाए गांव है शहर है वहाँ पर 7 से 8 घंटे का जो है वो कट लग रहा है। वहीं पर इस टाइम जो है वो पंजाब में धान की बिजाई जो है वो शुरू की गई है, तो उसके लिए भी पानी जो है वो चाहिए। उसी के लिए जो है अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल जो हैं वो खेतों में जाकर बता रहे हैं कि किस तरह से जो खेत हैं वो सूखे पड़े हुए हैं, यानी कि बिजली के बिना जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो कहीं नहीं हो रही है। अब सियासत की बात करते हैं तो सियासत में जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि हमारे पास जो है वो 14,500 मेगावाट की जो है वो ज़रूरत पड़ रही है, जबकि हमारे पास 13,500 के करीब जो है मेगावाट जो है बिजली है, हमारे को 1,000 की ज़रूरत पड़ रही है, जिसके हिसाब से जो है वो बिजली के कट जो है पूरे पंजाब भर में लग रहे हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार को यहाँ पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष तो सरकार को घेर ही रहा है, लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार को घेर रहे हैं वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। लेकिन जो कैप्टन खेमा है उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को सलाह दी है कि पहले अपने घर का बिल भर लें जो लाखों में है, यानी कि 8,67,000 के करीब जो है बिल पेंडिंग है और उसको नहीं भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विशाल दो चीज, पहली चीज ये कि पंजाब सरकार का प्लान क्या है कि आने वाले वक्त में पंजाब के लोगों को राहत मिलने जा रही है बिजली कटौती पर, और क्या इसका सीधा मतलब ये कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर खुलकर आमने सामने एक बार फिर आ चुके हैं। देखिए जो सरकार है वो हर कदम पर प्रयास कर रही है, जिस तरह से जो टाइमिंग है वो सुबह की कर दी है, कई जगह जो एसी जो है वो बंद कर दी है ताकि बिजली की जो है बचत की जा सके। जहां पर कारखाने ज़्यादा बिजली खपत करते हैं उनको भी आदेश दिए गए हैं कि या तो वो कम बिजली इस्तेमाल करें या फिर कारखानों को बंद कर दिया जाए। इसके साथ साथ तलवंडी साबू में 2-4 थर्मल प्लांट है उसको दोबारा शुरू करने की बात जो है वो पंजाब सरकार यहाँ पर कर रही है, और दूसरे विकल्प भी सरकार के पास खुले हुए हैं कि बिजली जो है बाहर के स्टेटों से खरीदी जाए ताकि जिस तरह से कट लग रहे हैं पंजाब में उसको जो है ना कहीं रोका जा सके। ठीक है, तो कोशिश लगातार की जा रही है लेकिन सियासत लगातार जारी है। माफ कीजिएगा विशाल, आपको रोक रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। यकीनन भीषण गर्मी में पीने के पानी के साथ साथ कई राज्यों में बिजली की डिमांड ऑल टाइम हाई हो चुकी है, जिससे दिल्ली से लेकर पंजाब तक लोगों को पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में बिजली संकट इस कदर गहरा गया है कि शहरों में 10 से 15 घंटे तक की कटौती की जा रही है, जिससे सियासत का दौर भी शुरू हो चुका है। पंजाब में बेतहाशा बढ़ी बिजली की मांग, राजधानी दिल्ली एनसीआर में पावर कट से जूझ रहे लोग, यूपी के कई इलाकों में बिजली संकट ने बढ़ाई परेशानी। ये गर्मी का साइड इफेक्ट है जिससे आम जनता त्राही माम कर रही है। भीषण गर्मी और उमस के बीच पंखे और कूलर तक फेल हो रहे हैं। जबरदस्त गर्मी के चलते बिजली की डिमांड ऑल टाइम हाई पर है। दिल्ली पंजाब एनसीआर यूपी में लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। पंजाब में तो एसी बंद करने का सुझाव भी दिया गया और बिजली पर सियासत शुरू हो गई। भीषण गर्मी के बीच पंजाब में हर रोज बिजली की मांग 14,000 मेगावाट से ज्यादा हो गई है, जबकि आपूर्ति 12,442 मेगावाट की है। बिजली की डिमांड को देखते हुए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि PSPCL को मजबूरन बिजली कटौती और उद्योगों पर पाबंदी लगानी पड़ रही है, जिससे राज्य में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन तक हुए, सड़कें जाम कर दिए गए। धान की रोपाई के लिए 8 घंटे की बिजली आपूर्ति का वायदा पूरा नहीं करने पर किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक किया। सारा किसान घर तो बाहर निकल चुका सड़कों से, जिन्नी देर तक नहर विघन 8 घंटे बिजली नहीं चलती किसान घरें जाएंगे और टेंट आ गया लगता विघनू
इतने चांदियां लग जानियां रात दिन तरना चलूगा अनमिथे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, राज्य में धान की रोपाई का काम चल रहा है, ऐसे में बिजली की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। ऊपर से तलवंडी साबो पावर ग्रिड फेल होने से परेशानी बढ़ गई है, लिहाजा सरकार ने सरकारी और निजी दफ्तरों में 3 दिन के लिए एसी और बिजली की संयंत्र बंद रखने की अपील की। पंजाब में बिजली कटौती के खिलाफ सियासत का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने राज्य भर में पीएसपीसीएल के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। आज पंजाब स्टेट के पावर कमीशन ने अपने एक गाइडलाइंस भी जारी कर दी है कि बड़े बड़े लंबे लंबे कट लगेंगे। कल जलंधर में, लुधियाना में, बड़े बड़े शहरों में कई कई घंटे बिजली का कट लगा, जिसके वजह से स्टूडेंट, किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट सभी वर्ग परेशान है। जे लोग पंजाब के बिल्कुल सिस्टम नू ना तो समझ पा रहे हैं, ना पंजाब के पंजाबियों के लिए कुछ कर रहे हैं, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों ने पंजाब में कांग्रेस पार्टी को कैसे पावर में लाया जो हम कभी भी नहीं चाहते। पंजाब में पावर कट के साथ साथ दिल्ली एनसीआर भी पावर बिजली संकट से जूझ रही है। दिल्ली में बिजली की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गुरुवार को राजधानी में बिजली की पीक डिमांड 7026 मेगावाट तक पहुंच गई। ये साल 2020 और साल 2021 में अब तक की सबसे ज्यादा मांग है। वहीं साल 2019 में 2 जुलाई को बिजली की मांग ऑल टाइम हाई 7409 मेगावाट पहुंच गई थी। दिल्ली में इस वक्त भयंकर गर्मी पड़ रही है, लोग भीषण गर्मी की वजह से बेहाल हैं। ऐसे में अगर बिजली की डिमांड बढ़ी तो लोगों को बेहिसाब मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।